हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दही वाली भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको भिंडी खाना बहुत पसंद है तो एक बार इस तरह दही डाल के भिंडी की सब्जी बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही मसाला भिंडी बनाने के लिए भिंडी को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके पानी को सुखा लिया है। अब हम इसकी ऊपर की साइड और नीचे की साइड को काट देंगे और इसके इस तरह दो पीस कर लेंगे। अगर आपकी भिंडी बड़ी है तो आप इसके तीन पीस भी कर सकते हैं। भिंडी को मैंने बराबर साइज में काट लिया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें कटी हुई भिंडी को डालकर फ्राई कर लेंगे। जब तक भिंडी फ्राई हो रही है हम दही का मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप दही लिया है, इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुना जीरा और गरम मसाला, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और भिंडी को देख लेते हैं। भिंडी को हमें 70% पका लेना है, इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे। ये फ्राई हो गई है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी बर्तन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, साथ में 2 साबुत लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज, इसे थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम में भूनना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे मसाले ऐड करेंगे। मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसमें 2-3 चम्मच पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। इसे भी हम मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक मसाले पकने तक भून लेंगे। मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और जो दही का मसाला हमने तैयार किया है उसे इसमें डाल देंगे। इसे चलाते रहेंगे। अगर आपकी दही फटती है तो इस समय आप गैस की फ्लेम पहले बंद कर दीजिए और दही को अच्छी तरह से मिला लीजिए, उसके बाद गैस चालू कर लीजिए। इसे लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए हमें तब तक मिलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाए तब हम इसकी लीड लगा देंगे और इसे लो फ्लेम में 4 मिनट पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, दही वाला मसाला भी पककर तैयार है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी को डाल देंगे। इसे ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिला लेने के बाद अब हम इसकी लीड लगा देंगे और इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए भिंडी को चेक कर लेते हैं। भिंडी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। दही वाली भिंडी बनकर रेडी है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। दही मसाला भिंडी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। भिंडी का स्वाद भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आप भिंडी खाना पसंद करते हैं तो दही वाली भिंडी एक बार बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।